बिस्मिल्लाह रहीम। स्पर्म में इजाफा कैसे किया जाए? जिनकी रिपोर्ट में स्पर्म कम आते हैं और स्पर्म में थिकनेस नहीं है, स्पर्म मोटा नहीं है, स्पर्म में पीएच का लेवल ज्यादा है जिसकी वजह से स्पर्म डेड हो रहे हैं, स्पर्म की मिकदार कम आ रही है, इसमें बता दूं अगर 60% आपके एक्टिव स्पर्म आते हैं। अब इसमें मैं गाइड कर दूं कि अगर 5 सेल ज्यादा है आपके स्पर्म में तो वो भी स्पर्म को डेड कर देते हैं, अगर पीएच लेवल ज्यादा है तो वो स्पर्म को डेड कर देते हैं। इन तमाम वजूहात को नजर रखते हुए एक तो अपनी डाइट को चेंज करें। जिनके 5 ज्यादा है, 18 से 20 आ रही है, वो हमेशा उसके जिस्म में बलगम होगी, सांस का मसला होगा, बलगम की ज्यादती होगी, तो वो सबसे पहले अपना बलगम का इलाज करवाएं, बलगम ना जिस्म में बने, जो आपका लीवर है, जिगर है, वो बलगम ना बनाए। और सेकेंडली, जिन हजरात को का पीएच लेवल ज्यादा है, जिनका पीएच लेवल ज्यादा होता है रिपोर्ट में, उनको कॉन्स्टिपेशन का लाजमी मसला होगा, उनमें कॉन्स्टिपेशन होती है यानी कब्ज होती है, तो पहले अपनी कब्ज को दूर करें, फिर पीएच लेवल इंशाल्लाह कम हो जाएगा। थर्ड, जिन हजरात के स्पर्म बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नील आ रहे हैं, वो अपने टेस्ट करवाएं, टेस्ट और टून लेवल का, क्या आपके लेवल क्या आ रहा है, अगर वो लेवल ठीक है तो फिर तो स्पर्म बन सकते हैं आपके, आपके स्पर्म इंशाल्लाह 50% से अबव जा सकते हैं। अगर टेस्ट और टून लेवल ही कम है फिर आपके स्पर्म नहीं बन सकते, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप नील हैं बिल्कुल, तो टेस्ट और टून लेवल भी नील आ रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि जिनके स्पर्म 20-30% के मतलब के बिटवीन हैं, तो उनको चाहिए मेरा इस जो मैं आपको टोटका बता रहा हूँ इसको इस्तेमाल में लाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उन हजरात के लिए वो अपनी रिपोर्ट्स के हमरा मेरे क्लिनिक पे तशरीफ लाएं, ओनली 45 डेज का ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट दूंगा इंशाल्लाह, 20-30% जो स्पर्म है वो इंशाल्लाह 50+ हो जाएंगे आफ्टर 45 डेज इंशाल्लाह। तो आज तशरीफ लाएं मेरे क्लिनिक पे, मेरा क्लिनिक जोहोटो लाहौर में है, दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पे आप कॉल करके तशरीफ ला सकते हैं, टाइमिंग सुबह 11 से शाम 5 बजे तक है। थैंक यू, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।